हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ पालक से एकदम स्वादिष्ट डिकवच, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है और हेल्दी भी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको ये डिकवच की रेसिपी अगर अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने आधा किलो पालक लिया है, उसे मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब मैं इसे धो के काट लूँगी और फिर हम इसे यूज़ करेंगे। मैंने पालक को अच्छे से साफ़ करके काट लिया है। इसे मैंने 6 से 7 हरी मिर्च लिया है और 3 लहसुन की कलियां लिया है। इसको मैं अच्छे से कूच के तब इसके अंदर मिलाऊंगी। सबसे पहले मैंने एक भगोने में पानी डाल लिया है, इसे मैं गर्म करूंगी। उसके ऊपर से मैं स्टीमर रख रही हूँ, इसे मैं तेल से ग्रीस कर दूंगी। जब हम भाप लगाएं तो उसके अंदर चिपके ना। ऐसे मैं लीड लगा के छोड़ दूंगी, तब तक हम अपना बैटर तैयार करते हैं। मैंने एक बाउल लिया है, उसमें मैं सारे पालक के पत्ते डाल रही हूँ। एक कटोरी बेसन डाल रही हूँ। हमें इसके अंदर 4 चम्मच चावल का आटा डाल रही हूँ। इसके अंदर मैं 1 चम्मच अजवाइन डाल रही हूँ। उसको हम ऐसे क्रश करके इसमें डालेंगे, जिससे कि इसका स्वाद इसमें अच्छे से आ जाए। 1 चम्मच मैं इसमें जीरा डाल रही हूँ। 1/2 चम्मच मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाला है। 2 चुटकी मैं इसमें हींग डाल रही हूँ। 1 चम्मच मैं इसमें लाल मिर्च डाल रही हूँ। लाल मिर्च अपने स्वाद के अनुसार तीखा या कम कर सकते हैं। 1 चम्मच मैंने मिर्ची और लहसुन का पेस्ट बना के इसमें डाला है। अब हम इसे बिगर पानी के मिक्स करेंगे। अब हम इसे पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि पालक में हमारे खुद ही पानी ज़्यादा होता है। मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी इसके अंदर बेसन की कमी लग रही है, इसके अंदर मैं 1 कटोरी और बेसन डाल रही हूँ। फिर हम इसे मिक्स करेंगे। इसे इसमें पानी नहीं डालना है, इसको अभी हाथ से ऐसे ही मिलाना है। मैं इसके अंदर थोड़ा सा घी, देसी घी डाल रही हूँ, जिससे कि इसका जो मॉइस्चर है वो बना रहेगा और इसमें स्वाद भी बहुत ज़्यादा आएगा। नमक आप अपने टेस्ट अनुसार डाल सकते हैं। फिर हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें इसे ऐसे ही थोड़ी देर तक मसलना है, तो ये अपने आप ही बाइंड हो जाएगा। इसमें अभी पानी नहीं डालना है बिल्कुल भी। इसको हम मसलते रहेंगे तो ये खुद ही गीला हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो नमक डाला है वो अपने आप ही इसमें मॉइस्चर हो जाएगा, जिसकी वजह से ये अच्छे से बाइंड हो जाएगा। अब देखिए कितने अच्छे से ये बाइंड हो चुका है। मैंने इसमें 1 बूंद पानी नहीं डाला है। अब देखिए मेरा जो रोल है वो तैयार हो चुका है। अब मैं इसको 2 भाग में ऐसे कर दूंगी। ऐसे मैं इसका रोल बना लूंगी। अब दूसरे को भी मैं ऐसे ही लंबा करके इसका रोल बनाऊंगी। देखिए मेरा दूसरा भी बन चुका है। अब हम इसको स्टीम करने चलते हैं। अब पानी जो है मेरा स्टीम हो चुका है, और जो मैंने ये रोल बनाया है वो मैं इसके अंदर ऐसे रख दूंगी। अब मैं जो दूसरा है वो भी इसके अंदर रख दे रही हूँ। इसका मैं लीड बंद कर दे रही हूँ। इसे एकदम मीडियम गैस पे मैं इसे 15 से 20 मिनट तक पकाऊंगी। 15 मिनट हो चुका है, हम इसे चेक करूंगी। टूथपिन इसके अंदर डालेंगे, ऐसे निकालेंगे। अगर हमारा ऐसे क्लीन आ रहा है तो हमारा ये अच्छे से पक चुका है। अब ये पक चुका है, अब हम इसे गैस पे से उतार देंगे। अब हम इसे 1 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। अभी रिक्वेस्ट ठंडा हो चुका है, इसको मैं छोटे छोटे पीस में काट रही हूँ। देखिए इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है देखने में, और ये टेस्टी भी बहुत ज़्यादा लगता है। आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, और इसको आप तेल में फ्राई करके भी खा सकते हैं। ये दोनों तरीके से अच्छा लगेगा। मैंने अब तेल में डाल दिया है, इसको दोनों तरफ से हम अच्छे से तल लेंगे। देखिए हमारा एकदम रेडी है सर्व के लिए।
आप इसको साथ चाय के साथ नाश्ते में खाइए, चाहे आप इसको हल्की फुल्की भूख में खाइए, ये बहुत टेस्टी लगता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।